कि क्या हाइट जो है, लंबाई जो है, वो 18 साल तक ही बढ़ती है या उसके बाद भी बढ़ने की कोई गुंजाइश है? अभी आप चिनअप लगा रहे थे, क्या कोई गुंजाइश है कि आप और लंबे हो सकते हैं? चलिए हाँ, एक्सेप्शन के तौर पर 20 साल तक भी बढ़ती है, सामान्य नियम 18 साल का ही है। शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन और सूर्य नमस्कार, ये सब बच्चों के लिए मैंडेटरी है, कंपलसरी है, क्योंकि हाइट बढ़ाने में मेन रोल होता है थायराइड पैराथायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड का। उससे सीक्रेट होने वाले जो हार्मोन्स हैं वो हमारी हाइट बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। फिर डाइट पूरी मिलनी चाहिए, कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन, जो कि हमारे स्ट्रक्चर के मेन हिस्से हैं, ये पूरे मिलने चाहिए। तो एक मिनट तक सब बच्चों को शीर्षासन। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं सर्वांगासन। सब बच्चे कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। आज हम पतंजलि गुरुकुलम में हैं और यहाँ पतंजलि गुरुकुलम योगा ग्राम के सब बच्चे सुबह सुबह, आप देख रहे हैं ये मेरे साथ दाएं बाएं छोटे बड़े बच्चे, सब शीर्षासन सर्वांगासन नियम से करते हैं। एक एक मिनट ये आसन करना है। सब बच्चे अपने घरों में भी करें हुसैन भाई जी, ऐसे जैसे हम कर रहे हैं, जैसे स्टूडियो में सुरभि जी कर रहे हैं, मीनाक्षी जी करते हैं, अब तो इंडिया टीवी का भी पूरा स्टूडियो योग में हो रखा है और इंडिया टीवी के माध्यम से पूरा भारत योग में हुआ हुआ है। और स्वामी जी शीर्षासन, सर्वांगासन अब ये घर घर में बच्चे कर रहे हैं। स्वामी जी पता नहीं आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया, आज योगिनी के किरदार में सुरभि शर्मा है। हाँ, सुरभि जी को मैंने देख लिया है। सुरभि तो बहुत पहले से करती है, मेरे साथ बहुत से योग के कार्यक्रम कर चुकी है ऑलरेडी जी। तो ये शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, ये सब को करने एक एक मिनट। फिर चक्रासन कुछ ऐसे लेट करके करें और बच्चे खड़े होकर के करेंगे चक्रासन। मैं लेट करके बता रहा हूँ, लेट करके करने के लिए पैर मोड़ लें ऐसे, दोनों हाथ कंधों के नीचे रख लें और खड़े होकर के जैसे बच्चे कर रहे हैं दाएं बाएं और नीचे उधर यज्ञशाला में योग के साथ यज्ञ भी चल रहा है और खड़े होकर के बच्चे ऐसे कर रहे हैं। वैसे मैं भी खड़े होकर के कर लेता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कोई बुढ़ा हो गया हूँ, जैसे बच्चे कर रहे हैं ऐसे मैं भी ऐसे कर लेता हूँ ऐसे, इस तरह से। और ये चक्रासन हो गया पूरा। चलो वापस, ये बैठ जाते हैं पश्चिमोत्थानासन के लिए। तो ये पांच आसन तो पश्चिमोत्थानासन, यज्ञशाला से लेकर के सब बच्चे, एक एक बच्चा ये कम से कम पांच आसन सभी करते हैं इसे। तो स्वामी जी आप क्या जितने बच्चे हैं, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्थानासन, मैं देश के सभी बच्चों से, स्वामी जी गुरुकुल में आपके यहाँ जितने बच्चे हैं सब 6-6 फीट से ऊपर होके निकलेंगे वहां से? संत जी कुछ कह रहे थे जी। स्वामी जी मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपके गुरुकुल में बहुत सारे बच्चे मुझे नजर आ रहे हैं, हाँ, कि सारे बच्चे 6 फीट से ज्यादा जाएंगे फिर तो? हाँ, 6 फीट से कोई कम नहीं रहेगा, चिंता मत करो। खड़े हो जाएंगे सब, अभी भी ये कितने बड़े हो, खड़े हो, आपको स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी स्वामी जी गुरुकुल की, बहुत सारे बच्चे और आने को तैयार हैं। 13 साल का है ये सब, कौन सी क्लास में, ये सब 8th के बच्चे हैं और सब मेरे बराबर हैं, कोई मेरे से कम नहीं है। निकलता हुआ स्वामी जी आपसे, 7 इंच के तो हो गए और बढ़ जाएंगे। ये भी मेरे से बड़े बड़े, ये कोई छोटे नहीं है। तो ताड़ासन, चलो ऐसे सब एक साथ कर रहे हैं सब बच्चे, ताड़ासन भी करें, पांच आसन सबके लिए कंपलसरी हैं। उसके बाद अब ये हाइट बढ़ाने के लिए स्पेशल और पोस्चर्स बता रहे हैं, ताड़ासन, फिर वृक्षासन, गरुड़ासन, पादहस्तासन, फिर सूर्य नमस्कार बताएंगे। ये सब बच्चे किया करें, बहुत इजी है, लंबे लंबे श्वासों के साथ ताड़ासन किया। जिन बच्चों के फैट फूड होते हैं, जिन बच्चों के घुटने चलते समय मिलते हैं, उनके लिए भी बहुत जरूरी है ये ताड़ासन। ऐसे बिल्कुल सिंपल है,
तो फ्लैट फुट वाले बच्चे जिनके घुटने मिलते हैं वो ये गरुड़ासन भी करें। बच्चे गरुड़ासन आराम से कर लेते हैं ऐसे, इस तरह से। ऐसे एक तरफ से, फिर दूसरी तरफ से। स्वामी जी सुरभि भी जो है गरुड़ासन बहुत शानदार कर रही हैं। दाएं तरफ से, हाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं। बैलेंस बनाना पड़ता है इसमें, ये साधारण नहीं है, इसके लिए प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट रहती है, नहीं तो आसन सिंहासन। आपके साथ इनका बैलेंस तो बहुत पुराना है स्वामी जी। हाँ तो ये आगे झुक गए। 21 जून के इंटरनेशनल योग डे से लेकर के स्पेशल योगा सेशंस किए हुए सुरभि जी ने मेरे साथ जी जी, और उसके भी जो पूरे लाइक्स थे यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक पर, वो भी करोड़ों में हो गए हैं अभी तक। तो ये पश्चिमोत्तानासन जैसे बैठ के होता है, ऐसे पाद हस्तासन ऐसे खड़े होकर। सुरभि से स्वामी जी ये भी पूछ लीजिए आप, अर्धचक्रासन भी जो कि रोजाना योगा करती हैं कि सिर्फ आपके साथ बड़े बड़े कार्यक्रम करती रही हैं। फिलहाल मैं ये बता दूं हुसैन कि इंस्पिरेशन तो स्वामी रामदेव पिछले 10 साल से हैं, लेकिन पिछले कोरोना काल में ऑफकोर्स रेगुलर नहीं रही हूँ मैं,